हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में बनाने वाला हूँ मैं मटन की एक स्टार्टर रेसिपी है, तमिलनाडु की बहुत ही नॉनवेज फेवरेट कह सकते हो, क्योंकि वहाँ पे जो मटन की या चिकन या मटन की जो नॉनवेज की रेसिपी बनती है स्टार्टर में, ये डिश जो मैं बना रहा हूँ ये बहुत ही फेमस है। इसको बोलते हैं मटन वारुवल। ठीक है, मटन वारुवल बोलो या चिकन बना रहे हो तो चिकन वारुवल हो जाएगा। मैं जो बना रहा हूँ आज वो बना रहा हूँ मटन वारुवल। एक ये बहुत ही ये ड्राई रोस्ट और सेमी रोस्ट कह सकते हो, ताकि ये बहुत ज़्यादा लिक्विड ही नहीं होता है, बहुत ग्रेवी नहीं होता है इसमें, पानी ऐसा ग्रेवी नहीं होता है। ये स्टार्टर है और ड्राई रोस्ट है, तो आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी और आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगेगी एंड आई विश अच्छी लगे। तो जो मैं बना रहा हूँ प्लीज़ उसको बनाना, बताना कैसा लगा एंड कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो। बाकी और भी वीडियोज़ मेरे चैनल पर आके आप वो भी देख सकते हो। तो चलो जल्दी से बनाते हैं अपना मटन वारुवल। यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं मटन वारुवल, जो कि साउथ इंडिया की बहुत ही फेमस या फिर कोई साउथ इंडियन स्टाइल में डिश बनती है, यहाँ की स्नैक्स कह लो एक तरह से या स्टार्टर्स ये है। तो यहाँ पे बना रहे हैं आज मटन का, चिकन वारुवल भी है उसको मैं बाद में बना के दिखाऊंगा आपको। आज बना रहे हैं भाई सबसे बढ़िया मटन की रेसिपी यहाँ के साउथ इंडियन डिश के या रेसिपी के हिसाब से। तो यहाँ पे देखो ये मैं लिया हूँ मटन, मटन ये लगभग आधा किलो मटन है। अभी इस मटन को क्या करना है, पहले हम लोग इसे करेंगे मैरिनेट। एक चम्मच नमक यहाँ पे मिलाएंगे, आधा थोड़ा चम्मच हल्दी, एक बड़ा चम्मच ये मतलब एक छोटा चम्मच भर के ये लाल मिर्च पाउडर, और एक छोटा चम्मच भर के ये जीरा पाउडर। ठीक है, इसको बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। मटन का मैरिनेशन ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से बनाएंगे उसमें थोड़ा सा मटन में फ्लेवर चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे मटन को थोड़ा सा इसको अच्छे से मतलब मैरिनेट करना ज़रूरी है, ताकि मटन में भी एक अपना फ्लेवर रहे। तो इसको बढ़िया से आप मैरिनेट करो, क्योंकि मटन को पकने में समय लगता है और जिस तरीके से मैं बनाने वाला हूँ या जिस तरीके से ये बनता है उसमें थोड़ा सा फ्लेवर लूज़ हो जाएगा मटन को पकाते वक्त। तो इसको बढ़िया से आप मैरिनेट करके अच्छे से रखो। लहसुन अदरक का पेस्ट मत मिलाना इसमें, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ना दही की ज़रूरत है इसमें, दही का कोई ज़रूरत नहीं है। दही और अदरक लहसुन का पेस्ट बिल्कुल भी मत मिलाना, क्योंकि जो अगला स्टेप होने वाला है उसमें उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, वो बह जाएगा। ये हो गया, अभी इसको रख देते हैं लगभग आधे घंटे के लिए फ्रिज में। तो अभी अपना मटन हो गया मैरिनेट अच्छे से, ठीक है। ये देखो मटन अपना मैरिनेट हो गया है, अभी इसको कुकर में आप डाल के इसको उबालना है। तो उबालने के लिए देखो यार, अगर मान लो आपके कुकर में मटन उबलता है 8 सीटी में, तो 6 सीटी लगाना। जितने सीटी में आपके कुकर में उबलता है मटन उससे 2 सीटी कम लगाना, क्योंकि थोड़ा सा हमें चाहिए, क्योंकि इसको हम करेंगे फ्राई मसालों में तो उसमें भी ये पकेगा, तो ओवर कुक ना हो जाए, ज़्यादा गल के हलवा ना हो जाए, इसलिए इसको आप जितना सीटी में पकता है उससे 2 सीटी कम लगाना, ठीक है। चलो अभी कुकर खोल के देखते हैं कितना हुआ। ये देखो मटन को निकाल के देखते हैं, बहुत गर्म है। ये देखो मटन एकदम सॉफ्ट हो गया, टेंडर हो गया, मुलायम हो गया एकदम, लगभग 90% डन है। थोड़ा सा कसर बाकी होगा, वो फ्राई होगा तब ये और पक जाएगा। एकदम गला के हलवा नहीं करना, वही मैंने बोला था, लगभग 5 से 6 सीटी दिया मैंने, एकदम बढ़िया से गल गया अच्छा सा जितना निकलना चाहिए। अभी इसके मसाला रेडी करते हैं, इसका मसाला रेडी करते हैं। तो मसाले के लिए देखो यहाँ पे कुछ खड़े मसाले मैं लूँगा जिसको हम लोग टोस्ट करेंगे और पीसेंगे। तो पहला यहाँ पे है एक आधा चम्मच भर के ये सौंफ, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, यहाँ 3 लौंग, लगभग 5-6 दाना काली मिर्च, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची लेंगे, यहाँ लेंगे 2 खड़ी लाल मिर्च। अब स्लाइटली टोस्ट करेंगे, लगभग 1 मिनट के लिए अच्छे से टोस्ट करो। धुआं आने लगा है और लाइट ब्राउन होने लगा है ये,
तो अभी इसको गैस बंद करते हैं और इस मसाले को ठंडा करेंगे, उसके बाद इसको पीस के रख लेते हैं अपने पास। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे, अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे 2 से 3 बड़ा चम्मच तेल, अब यहाँ मिलाएंगे बारीक कटा हुआ लहसुन और साथ में जाएगा ये बारीक कटा हुआ अदरक। बढ़िया से इसको फ्राई करते हैं। अब यहाँ मिलाएंगे ये 2 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ है, इसको यहाँ पे डालते हैं। अभी इसको बढ़िया से लाइट ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, हल्का सा इसको लाइट ब्राउन करेंगे और गलाना है। तो 8 से 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही, बीच बीच में आके आप देखते रहो ताकि प्याज नीचे जले ना, लगे ना कढ़ाई में। ये देखो अपना प्याज ब्राउन होना शुरू हो गया है, ठीक है, देखा, ये देखो ब्राउन हो गया प्याज, गल गया अच्छे से। अभी क्या करेंगे, अभी यहाँ पे मिलाएंगे 1 चम्मच यहाँ भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, वो मिलाते हैं, अच्छे से मिक्स करो। अभी यहाँ मिलाएंगे ये करी लीव्स, ठीक है, और साथ में यहाँ मिलाएंगे अपना हरी मिर्च, ये देखो स्लिट क्या हुआ, बीच से अलग क्या हुआ, लंबा लंबा, ये मिलाते हैं, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे अभी। और साथ में यहाँ मिलाएंगे कुछ मसाले, 1 चम्मच यहाँ डालेंगे नमक, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच छोटा जीरा पाउडर, लगभग 1.5 चम्मच छोटा ये धनिया पाउडर। तो बढ़िया से मिक्स करते हैं। अब यहाँ डालेंगे 2 मीडियम साइज से टमाटर, फाइन चॉप किया हुआ, ये बारीक कटा हुआ टमाटर, 2 मीडियम साइज से टमाटर चाहिए, तो मिलाते हैं अच्छे से। टमाटर को यहाँ अच्छे से फ्राई करेंगे, गलाएंगे टमाटर को और मसालों के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे। आपको टमाटर अगर चिपक रहा है कढ़ाई में तो थोड़ा सा आप पानी डाल सकते हो ताकि मसाले भुन आ जाए और टमाटर चिपके ना। मैंने इसको ढक दिया था लगभग 2 मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखो इतना बड़े टमाटर गल गया है, बढ़िया से मिक्स हो गया मसाला और तेल छोड़ रहा है साइड से, मतलब पूरा बढ़िया पक गया है। अभी क्या करेंगे, अभी यहाँ पर डालेंगे मटन उबाल के रखे थे ना, तो मिल जाएगा पूरा मटन इसमें। अभी ये देखो मटन गया, अच्छे से मिक्स करते हैं एक बार। इसमें डालेंगे मसाले, मसालों में यहाँ पे जो हमने बनाया था मसाला वो जाएगा, 1 छोटा चम्मच यहाँ जाएगा गरम मसाला पाउडर, और साथ में हमने जो मसाला पीसा था ना, अपना मसाला भून के पीसा था जो, ये पूरा जाएगा इसमें। ये देखो ये गया, भी बढ़िया से इसको मिक्स करते हैं और मटन के साथ इसको भुनेंगे। ये देखो रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि मेरे आने वाले वीडियोस पे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा हूँ और स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। बढ़िया से एकदम अच्छे से मटन को तो ज़्यादा गलाना नहीं, क्योंकि मटन को तो ऑलरेडी गला हुआ है, सीटी देखिए हमने निकाला था मटन को, थोड़ा बहुत जो होगा मटन वो 10% बचा होगा, वो भी पक जाएगा अभी। ये देखो बढ़िया से इसको मिक्स करते हैं, 1/4 कप पानी चाहिए ताकि मसाले मिक्स हो जाएं अच्छे से और अच्छे से रोस्ट हो जाएगा ये। ये देखो बस पानी इतना रहे कि बराबर से ये मटन मसाला ये सब मिक्स हो जाए, ठीक है, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। ये देखो ठीक है, बस इसको बढ़िया से अब मिलाओ, लगभग 3 से 4 मिनट और लगेगा इसको बढ़िया से इसको मसाला मिलने में, पकने में और मटन के साथ मिक्स होने में।
बढ़िया से मिलाते हैं। तो क्या टेस्ट, क्या स्मेल आ रहा है यार, इसको मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ कितना बढ़िया से मटन गला है और कितना बढ़िया फ्लेवर आया है इसका। अभी गैस बंद कर देते हैं। ऊपर से गार्निश के लिए चाहो तो थोड़ा सा आप यहाँ पर धनिया मिला सकते हो, मैं थोड़ा सा गार्निश की धनिया मिलाऊंगा। बस एक बार स्टर कर लो, अलग हो रहा है ये देखा, अब बढ़िया पका है। बस अब इसको निकालते हैं, सर्व करते हैं गरम गरम। यार आई होप ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, ये देखो मटन इतना बढ़िया से गल गया ना, कुकर में हमने उबाला ना पहले, इसके चक्कर में इतना बढ़िया बनाया ना ये, इतना बढ़िया कैसे गला है ये देखो, हड्डी से पीस एकदम अलग हो रहा है बढ़िया। आए हाय मस्त स्नैक बना है, बहुत ही बढ़िया टेस्टी डिलीशियस और बहुत जल्दी बनेगा। और आई होप ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, आप बनाओ, खा के बताओ कैसा लगा, कमेंट करो और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब ज़रूर करना, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, इसके लिए आप बेल आइकन दबाओ। और इंस्टाग्राम का लिंक मैं देख रखा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो। सो आई होप ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, बहुत ही बढ़िया स्टार्टर डिश है मटन की, मटन की डिश स्टार्टर की बहुत कम लोग बनाते हैं, बट मैं अपने वीडियो में मटन की स्टार्टर की डिश बना बना के दिखाऊंगा आपको, दैट्स माई प्रॉमिस। ओके, तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ, देख ले चलो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।